खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट न्यूज 9 चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक। आपने भूगोल जियोग्राफी की किताबों में धरती पर मौजूद कई महाद्वीपों के बारे में सुना और पढ़ा होगा। किताबों में पृथ्वी पर मौजूद 7 महाद्वीपों के बारे में बताया गया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 7 महाद्वीपों के अलावा भी धरती पर एक और महाद्वीप मौजूद है। इस महाद्वीप को खोया हुआ महाद्वीप कहा जाता है। इस महाद्वीप का नाम जीलैंडिया है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिण प्रशांत महासागर के नीचे डूबा हुआ है। ये महाद्वीप करीब 3,800 फीट की गहराई में मौजूद है। वैज्ञानिक कभी भी इसके रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जीलैंडिया कभी विशाल गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था और करीब 75 करोड़ साल पहले उससे अलग हो गया था। हालांकि इसका एक छोटा सा हिस्सा डूबने से बच गया था, जो आज भी न्यूजीलैंड में मौजूद है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस खोए हुए महाद्वीप का क्षेत्रफल करीब 43 लाख वर्ग किलोमीटर तक रहा होगा। ये महाद्वीप न्यूजीलैंड के दक्षिण से न्यू कैलेडोनिया के उत्तर तक और पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के केन पठार तक फैला हुआ है। शोधकर्ताओं ने कुछ साल पहले इस नए महाद्वीप का नक्शा भी बनाया था। इस नए और खोए हुए महाद्वीप को लेकर वैज्ञानिक साल 1995 से ही शोध कर रहे थे। उसके बाद साल 2017 में इसकी खोज पूरी हो गई। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये धरती के अन्य महाद्वीपों के लिए लागू सभी मानदंडों को पूरा करता है। इसी वजह से इसे पृथ्वी का 8वां महाद्वीप माना जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक जीलैंडिया का अपना भूशास्त्र है और इसका तल समुद्री तल से बहुत ज्यादा मोटा और कठोर है। बता दें कि करोड़ों सालों से गायब इस द्वीप के अवशेष आज भी 3,800 फुट की गहराई में दबे हुए हैं। हालांकि इस महाद्वीप से जुड़े कई रहस्य अभी भी अनसुलझे ही हैं, जैसे कि ये कैसे बना था और फिर टूटा कैसे था। इसको लेकर लगातार भूगर्भ वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक तथा नीचे दिए बटनों द्वारा शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।